भाई भाई एक बात सुनिए मेरी। हाँ बोल के बात सुना होगा। भाई मेरे घर कुछ भगत जन आए हैं। फिर मैं क्या करूँ? भाई घर राशन पानी खत्म हो गया है। तू तो न्यूता वैसे अके मारा भी खत्म हो गया राशन पानी। नहीं भाई ऐसी वाणी क्यों बोलते हो? और कैसे वाणी बोलूं? तेरी तैयार भक्ता की वाणी तो कोन्या बोलनी आवे। तू काम बता कैसे? भाई कुछ राशन पानी चाहिए था। रे मैं तो पहले समझ गया था तू भगवान की मूर्ति के आगे ते उठ के न्यू कोने जावे की थे। भाई साधु संत ने न्यू नहीं कहा करते। संत की सेवा करना तो पुण्य का काम है। भाई पुण्य तो यो तो कर। हम तेरे के तरिया बावड़े कोन्या इन मोड़ा पे अपना घर लुटवा के बैठ जा फिर तेरे की तरिया मांगते आंदा। भाई ऐसी बात नहीं कहा करें। और किसी बात कहा करें? तेरे जैसा दिमाग ताला ओढ़ आदमी को ना देखा। क्यों भाई इसी के बात हुई? रह तू बात बुझे से है बोले। आज के दिन कोई अपने घर माते किसी ने एक पाई भी ना दे और तू अपने घर की सारी चीज दान करके बैठ गया अरे बांडे से भिखारियां की तरह। अपने भाई ने भिखारी कह के इतना बड़ा जुलम ना करे भाई। अरे भिखारी से क्यों अंडा है घर घर चून मांगता? तेरे साथ दुसंता ने जाके नाच जा। अब मेरे घर में कोई भोजन का प्रबंध नहीं है और कीचड़ टिकट पार लेंगे जाकर। भाई मैंने ऋषि जन को खाना खिलाने का वचन दिया है। फिर मैं क्या करूं तेरे वचन का? तू न्यूता वैसे अके मैं भी अपना घर लुटवा दूं। भाई मैं तने कुछ ना दूं। जे किता मिलता हो अगे उड़े तो मांग ले। अरे के खरिया खरिया वक्त बर्बाद करे थे जा चल जा। भाई न्यू नहीं बोल लिया कर दे छो मैं। आखिर में हमारी इज्जत तो एक है भाई। जब वो साधु संत भूखे चले गए तो दोनों भाइयों की बेइज्जती नहीं होगी? तेरी होगी मारी ना हो कदे तना मारी मन नहीं चाहे तना मन ये कौन है अपने मन पर चल जा सकता हूँ। हाँ हम नहीं सुनते तेरी। भाई ऐसा मैंने कौन सा गलत काम कर दिया जिसमें थारी बेइज्जती हुई हो? अच्छा कौन सा कर दिया? भाई अच्छा ही कर साधु संतान की सेवा करने लग रहा हूँ। आज मेरे दो रस है कोनी की मैं खुमाने तू दे दे भाई। तू दे दे सारा घर तो लुटवा बैठा तू दे दे क्यों दे दे हमारा सतन। भाई न्यू ना बोले मैं तेरा गा हाथ जोड़ू हूँ। है क्यों जोड़ा साहब? मैं तू जा सक नहीं मैं लात मार दूंगा तेरा। कदे आई गई का ओड़ न था किसे था मैं सरदारी। कदे आई गई का ओड़ न था किसे था मैं सरदारी। आज सिर चुने की खातर नरसी पणके चलाग खारी। वो आई गई का ओड़ न था किस
उसकी माया से या डरती फेरती छाया से कुछ कर्मा की गत नारी आज फिर चुने की खातर नरसी पढ़ के चला बखा
आया भैया दोर करो मेरी मन चाहिए न्यू बोले तेरे ना के दड़के कही न्यू बड़े भाई ने ओ न्यू बोले तेरे ना के दड़के कही या बड़े भाई ने कई गाय अन्याई ने तू लात कमर पे मारी आज शेरे चूने की खातर नरसी पणक चला बखारी कद आई गई का तेरे चूने की खातर नरसी पणके चला बखारी हो आई गई का ओढ़ न था ठीसे ठा में सरदारी ठीसे ठा में सरदारी से हे प्रभु अब क्या करूं। हर इंसान को अपनों से उम्मीद होती है वह आस भी भाइया ने तोड़ दी। यो संसार कितना मिथ्या है सारे रिश्ते नाते सब दिखावा है बखत पर कोई काम नहीं आया। हे प्रभु मेरी मदद करो प्रभु। हे भगवान कृष्ण ऐसी दुविधा में तो कभी नहीं फंसा था अब क्या जवाब दूंगा संजनों को और वो लोग भी क्या सोचते होंगे कि मैंने अब तक भोजन का प्रबंध नहीं किया। वो बेचारी भी परेशानी से बाट देखती होगी। हे कृष्ण मुरारी अब आप ही कुछ करो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन आपका नाम बदनाम हो जाएगा प्रभु आपका नाम बदनाम हो जाएगा मेरे प्रभु। रखना लाज मुरारी भगत खड़ा रोवे अकेले में मेरी रखना लाज मुरारी भगत खड़ा रोवे अकेले में आज कितलो करे भगवान आज कितलो करे भगवान जान मेरी फंसी जमेले में रखना लाज मुरारी भगत खड़ा रोवे अकेले में मेरी रखना लाज मुरारी भगत खड़ा रोवे अकेले आज दाना को नान का भंडार भरा था धन का आज दाना को नान का भंडार भरा था धन का वो कद प्यारा था जन जन का आज सस्ता दूध ले कद प्यारा था जन जन का आज सस्ता दूध ले आज कितलो करे भगवान आज कितलो करे भगवान जान मेरी फंसी जमेले में रखना लाज मुरारी भगत खड़ा रोवे अकेले में मेरी रखना लाज मुरारी भगत खड़ा रोवे अकेले में।
मने खोया, तन क्यों मन मोहन मोया। मैं तेरे प्रेम ने खोया, तन क्यों मन मोहन मोया। ओ मन सारे के तू टोया, बेरन गीत रल गया रेल में। मन सारे के तू टोया, बेरन गीत रल गया रेल में। आज कितलो करे भगवान, आज कितलो करे भगवान, जान मेरी फंसी जमे में। उप रखना लाज मुरारी, भगत खड़ा रोवे अकेले में। मेरी रखना लाज मुरारी, भगत खड़ा रोवे अकेले में। भगत के लागी मन एकदम चकरी आगी। तेरे लात भगत के लागी मन एकदम चकरी आगी। भाभा भी टोक तेर बतागी, तू दताया करती बेल में। भाभी टोक तेर बतागी, तू दताया करती बेल में। आज कितलो करे भगवान, आज कितलो करे भगवान, जान मेरी फंसी जमे में। रखना लाज मुरारी, भगत खड़ा रोए अकेले में। मेरी रखना लाज मुरारी, भगत खड़ा रोए अकेले में। बेचारे ये मेरे आने पधारे, भूखे मेहमान बेचारे, नरसी के आने पधारे। तुझे तेरा भक्त पुकारे, यार मेरे आ जाए ले मैं। तुझे तेरा भक्त पुकारे, यार मेरे आ जाए ले मैं। आज कितलो करे भगवान, आज कितलो करे भगवान, जान मेरी फंसी चमेले में। रखना लाज मुरारी, भगत खड़ा रोवे अकेले में। मेरी रखना लाज मुरारी, भगत खड़ा रोवे अकेले में। विनाशी कृष्ण लाल ब्रज के वासी, मेरी टेर सुनो या विनाशी, कृष्ण लाल ब्रज के वासी। गुरु तंद्र बान सन्यासी, भीड़ तेरे पड़गी चेले में। गुरु तंद्र बान सन्यासी, भीड़ तेरे पड़गी चेले में। आज कितलो करे भगवान, आज कितलो करे भगवान, जान मेरी फंसी जमेले में। री रखना लाज मुरारी, भगत खड़ा रोवे अकेले में। री रखना लाज मुरारी, भगत खड़ा रोवे अकेले में। री रखना लाज मुरारी, भगत खड़ा रोवे। नरसी, तुम व्यर्थ ही परेशान होते हो, तुम्हारा कष्ट मेरा कष्ट है। तुम चिंता ना करो, भोजन का प्रबंध हम करेंगे। वाह रे मेरे सच्चे भक्त, तू भी कितना महान है। दूसरों की सेवा के लिए खुद दर दर की ठोकरें खा रहा है।
तेरी चिंता तो मुझे दूर करनी है, चलता हूँ। अब क्या करूं, इस गांव में तो कोई मदद करता नहीं, दूसरे गांव से मांग के लाऊं। अच्छा, तो इन संतों की सेवा के लिए नरसी को भिखारियों की तरह मांगना पड़ रहा है। माई को जाकर देखता हूं। हे प्रभु, कितनी देर हो गई उनको घर से गए, लेकिन अब तक वापस नहीं आए। साधु बाबा भी ना जाने क्या सोचते होंगे हमारे बारे में। मैं भी करूं तो क्या करूं? हे भगवान, तुम ही कोई रास्ता दिखाओ। हे कृष्ण मुरारी, अपने भक्तों पर दया करो, दया करो अपने भक्तों पे। मैया, मेरे रहते तुम्हें चिंता करने की भला क्या जरूरत है, मैं हूं ना, अभी प्रबंध करता हूं। साधु महात्माओं, भोजन का प्रबंध हो चुका, आप भोजन ग्रहण करने के लिए आसन पर विराजो। ठीक है बच्चा, हम अभी आते हैं। संत बंधुओं, चलो खाना खा लें। चलो बंधु। आहा, बहुत जोर की भूख लगी है, कई दिनों बाद भरपेट खाना मिलेगा। हे महाराज, खाना कैसा बना है? भाई पूछो ना, गजब का स्वादिष्ट खाना है। मैंने पहले कभी ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। सही कह रहे हो, मैं भी यही कहने वाला था। लो ऋषिगण, और लो। लाओ भाई, आज तो भूख भी जोर की लगी है। लो, आप भी ले लो। हाँ हाँ बच्चा, लाओ, आज तो जी चाहता है जैसे जन्म जन्म की भूख मिटा दें। ओहो, आज तो आनंद आ गया, कई दिनों की थकान मानो पल में दूर हो गई। बहुत खा लिया भगत जी, अब आज्ञा हो तो थोड़ी देर आराम कर लें। हे साधु महात्माओं, इसमें भला आज्ञा वाली कौन सी बात है, आपका ही घर है, जब तक इच्छा हो ठहरिए, मुझे भी आपकी ओर सेवा करने का मौका मिलेगा। लक्ष्मी, आए लक्ष्मी, के करे से बेबे? ए, आजा बाण, बैठ जा। ए, बहुत घने दिनों में मिलन होया से। हाँ लक्ष्मी, पहले तो तू अपना हाल चाल सुना। बस ठीक से बेबे, देर ऐसे दिना कर धक्का। क्यों बाण, तू तो इस तरह कवे से जिनु तेरा मन राजी को ना। हे, मन राजी क्यों करो वे था, दोनों वीर मरद घर में बन्या बाण का अकेले पड़े रह से, तू है बता के जी राजी हो था बेबे, भला बन्या बाण का काबी कोई घरवासा हो से। हाँ बेबे, न्यू ते तू ठीक कवे से, बिना बालका ते घर नरक बराबर हो से। देखे बेबे, भगवान ने उते सारी डाल मोज कर रखी से, पर संतान ना उनकी चिंता भी खूब दे रखी से। बाण, भगवान सब भली करेंगे, उस नीली छतरी आले पे भरोसा राख। हे के आग भली करेंगे, मारे ते यो देख सारा दिन पूजा पाठ में लागे रह से, हमने तो जो कोई भी उपाय बता दे उसे ना, देखे वो ही पूरा करे से, खूब ते दान दक्षिणा देवे से, गरीबा की भी बतेरी मदद करे से,
के बेरा किसे गरीब की दुआ ते औलाद का मुंह दिख जा। आई किसे सियाने विद्वान धोरे पूछ के देखी सतने। हे बेबे के पूछेगी तू, विद्वाना के बताए सारे शास्त्र का अनुष्ठान करवा के देख लिया, पर भगवान मारी कहना तक कतिया अंधा होया बैठा से बेबे। हाँ बाण, थारे दान पुण्य के चर्चे तो दूर दूर ताई लोग बतावा से। बेबे हमने तो सारे जतन कर लिए, पर खे करूं किस्मत आगे किसे का जो नहीं चलता बेबे। और मैं तो बालका की हरदम आस लाए बैठी रहूं सो। हाँ बेबे, बालका की आस तो सब बेन होवे से। हे, जब आस पड़ोस में कोई बालक अपनी माँ ने माँ कवे ना, तो उस वक्त मेरा कान जगति पाटन न हो जासे। अकदे मेरा भी बालक होवेगा और जो मैंने माँ माँ कहता मेरे पाछे पाछे आंडेगा। धीरज धर लक्ष्मी, न्यू कया करें, बांझ लुगाई का दर्द तो पहाड़ बराबर हो से। और बेबे तू सही कवस है, जिस तन लागे सो तन जाने, बिराने दुख ने दूसरा तन के जाने। हे, ए बांझ लुगाई की तो समाज भी इज्जत घाटे करे से। देखे देखे आस पड़ोस की लुगाई ना अपना बालक भी मैंने खिलाड़ती गोदी में नहीं देती, मैं भी इचके देती होना। कदे मैं उनके बालक का मैं टूटा टोटका ना करवा दियो। बेबे तू जी माड़ा ना कर, भगवान के घर देर से अंधेर कोनी, जिनकी सोच भली हो से उनका राम भला ही करेगा। ए मन ने तो ईसा लागे से, अकमारे नाम का तो भगवान का अंधेरा ही अंधेरा से। बेबे तू हौसला राख, भगवान सब भली करेंगे। अच्छा मैं चालू, बालक घरा बाढ़ देखते होंगे। अच्छा बेबे राम राम। हे राम राम बाण तेरी दो बे राम राम। के बात कौन आ रही थी? मेरी सहेली आई थी। सब ठीक तो से? हाँ, वो तो अपना हाल चाल जानन आई थी, मारा हाल भी के बुझना। बता घर में कि मैं आस औलाद हो तो उनकी राज्य खुशी बूझ ले, मारा के बिगड़े था। भगवान सब बलि करेंगे, तू जी माड़ा ना कराया कर, उस पे भरोसा राख। देख इतने साल हो गए बालक की आस लाए बैठी सु, और साची बूझे ने तो मेरा तो भगवान पता है विश्वास कती उठ लिया से। भगवान इसी ना सोचा करें, शायद मारी भक्ति में कोई कमी रहेगी जो मारी इच्छा भगवान पूरी नहीं कर सकते। भगवान के जाने एक बांझ औरत का दुख कितना दुखदायी हो से, बिना बाल का तो बखत भी काटे नहीं कटता, पर मर्द मानस के जाने भगवान भी तो आदमी से ना, वो मेरा दर्द ना समझे। हाँ या बात तो तू ठीक कैसे। माई 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 चून दिए, और जे चून ना हो तो माई रोटी दे दे। जे तू एक रोटी देगी प्रभु तुझे एक बेटा देगा, जे दस रोटी देगी तो प्रभु दस बेटी देगा। माई आगे तेरी मर्जी। अजी सुन रही हो, ये संत क्या कह रहा है, उसे जाकर रोटी दे आओ। इतने तो जतन कर लिए उनते तो के मैं फायदा ना लग गया, एब इस भिख मंगे के गए तक मैं घने छोरे हो जाएंगे। मैं ना देती इब तरह देनी होते दिया, बतेरे बाबा जमा लिए मने छकली कती जमा जमा के। न्यू नहीं बोलया करते, बेरा ना भगवान किस भेष में हमने संतान का आशीर्वाद देन खतर आ जा। भगवान के प्रति सच्ची लगन होनी चाहिए, तू जाकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें रोटी दे आ। रहन देने तू, जब भगवान की हम इतनी भक्ति करें और फिर भी भगवान राजी नहीं होया
तो इम इस संत के कहने के होवेगा, ये तो पाखंडी से पाखंडी सारा दिन नुए आंडे जासे, कि मैं काम धंधा तो करने जी नहीं करता इनका, चालपड़े से मुंह उठा के मांगण। जा भगवान, मेरी बात मान और रोटी दिया, बेरा ना प्रभु किस बेस में दर्शन दे दे, और के बेरा ये रोटी मांगण वाला कोई पहुंचा होया संतो। हाँ नूटा तू साची का वैसे, बेरा ना भगवान किस बेस में आ जा, पर मैं भी ठीक हूँ सु, क्यों मेरी उम्मीद भी तो भगवान ने तोड़ रखी से, तू का वैसे तो ये काल की रोटी बच रही से ये दे दू सु। लो संत जी रोटी ले माई, एक दो तीन चार पांच छह सात, माई ये सात रोटी हैं, जा माई तेरी सात बेटी होंगे। सच्चे संत जी? हाँ माई, मेरा वचन सत्य मानिए, अच्छा माई खुश रहो। हे भगवान, इसकी मुंह की बात पूरी करिए। सेठ जी, सेठ जी। हाँ भगवान, क्या हुआ? वो संत जी कह रहे थे आपके सात बेटे होवेंगे। अच्छा भगवान। हाँ यो तो कोई पहुँचाया संत मारू मुंह है, इसकी बात सही भी उसके है, इन संता पे ईश्वर की विशेष कृपा होस है। हाँ पर मैं तो इसने पोचा होया जब जानूंगी, जब मेरी गोद हरी हो जाएगी ना, ते इसे बाबा तो घने टिकड़ तोड़ के जाली। प्रभु की भक्ति सच्ची लगन तक करनी चाहिए, और प्रभु पे विश्वास भी रखना चाहिए। मन नहीं बेरा, पर जब तू इसी बात करा करे ना, तो मेरे ते सिर के ऊपर के जाया करे। भगवान तू घनी परेशान ना होया कर, प्रभु सब बलि करेंगे, तू भी मेरे साथ भक्ति में लीन हो जा। लेनू तो प्रभु का नाम तो मैं भी जपूं सु, पर मन दुख इस बात का से, अक वो मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता। सबर राख, चाल उठ, पूजा पाठ करने का वक्त हो गया। हे साधु महात्माओं, माफी चाहता हूँ, आपके लिए भोजन का प्रबंध करने में मुझसे देरी हो गई। नरसी तुम भी अच्छा मजाक करते हो। ये भी खूब रही। क्या करूं, मैं बहुत मजबूर होकर विनती कर रहा हूं आपके सामने। अरे भाई, मजाक करने की भी हद होती है। तुम इतने उदास चेहरे से मजाक क्यों कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूं साधु महात्मा। अरे अभी अभी तो इतना स्वादिष्ट खाना तुमने खुद हमें खिलाया था, अब यह क्या कह रहे हो? क्या कहा? स्वादिष्ट खाना मैंने खिलाया, ये क्या कह रहे हो? अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारी जगह हमें किसी और ने खाना खिलाया हो। हाँ साधु महात्माओं, मैं ठीक कह रहा हूँ। नरसी तुम खूब मजाक करते हो। मजाक तो आप सभी कर रहे हो, मैंने तो भोजन। ये भी ठीक कही। अब तुम फिर कहोगे कि भोजन मैंने नहीं परोसा। यही ना बच्चा, हम तुम्हारी आव भक्त से बहुत खुश हुए। अच्छा, ये सब तो उस मुरारी चक्रधारी की माया का कमाल था, जो मेरा भेष धारण कर सभी संतों को खाना खिला गया। जय हो कृष्ण, जय हो त्रिलीला अपरंपार है, जय हो कृष्ण। किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही मेरे लायक और कोई सेवा हो साधु महात्मा हो। अरे बच्चा, तेरे हाथों से खाना खाकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम धन्य हो गए, और हमने कुछ ही क्षणों में जैसे बहुत कुछ पा लिया। हाँ नरसी, तेरे घर का माहौल बहुत ही शांति प्रिय और मन को आनंद पहुंचाने वाला है। अब हम यहाँ से जाने की इजाजत चाहेंगे। हे साधु महात्माओं,
और रुक जाते, मुझे भी आपकी सेवा करने का मौका मिल जाता। नहीं नरसी भक्त, अभी हमें जाना है, फिर कभी अवसर मिला तो जरूर आएंगे। चलो गुरु भाइयों, चलते हैं। चलो चलो। अच्छा नरसी, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहे। प्रणाम साधु महात्माओं। प्रणाम नरसी भक्त, प्रणाम। आयुष्मान भव। चिरंजीव भव। अरे सुनती हो भगवान? हाँ स्वामी, कहो क्या बात है? आज ये प्रभु ने कैसा चमत्कार दिखाया? क्यों, क्या हुआ, कैसा चमत्कार दिखाया प्रभु ने? ये तुम मुझसे पूछ रही हो क्या हुआ? हाँ, क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ मालूम ही नहीं। संतों को खाना किसने खिलाया? लो कर लो बात, ये भी कोई बात हुई? तुमने खुद ही तो मुझे ला के राशन दिया था, और फिर मैंने भोजन बनाकर तैयार कर दिया, और फिर तुमने वहाँ जाकर भोजन परोस दिया। क्यों, क्या बात हुई? मुझे तो राशन कहीं मिला ही नहीं, मैं तो अभी घर आया हूँ। क्या, थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल तुम्हारी शक्ल, वही चाल ढाल, फिर वो कौन था? ये सब कृष्ण कन्हैया की लीला है। हाँ, ये आप क्या कह रहे हो, श्री कृष्ण की लीला है? हाँ भगवान, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हाय, मैं भी कैसी अभागी हूँ, प्रभु मेरे घर फिर आए और मैं उन्हें नहीं पहचान पाई। हे प्रभु, अपने भक्तों की मदद भी करता है और छल से मिल भी लेता है। वाह मेरे प्रभु, तेरी माया भी निराली है। देखा, और हम मनुष्य उन्हें सामने पाकर भी नहीं पहचान पाते। इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद मन और आत्मा ऐसे सांसारिक मोह माया के बंधनों में बंध जाती है। हाँ। कि प्रभु से मिलकर भी हम अनजान रह जाते हैं स्वामी। इस दुनिया में रिश्ते नाते परिवार वाले सब भ्रम का माया जाल है। इस दुनिया में विरले ही लोग हैं जो दूसरों की मुसीबत में उनका साथ देते हैं। हाँ स्वामी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, भगवान अपने भक्तों की कैसी कैसी परीक्षा लेते हैं, और उन परीक्षाओं में यदि भक्तों की नैया डगमगाने लगे तो खुद ही खेवनहार बनकर नैया भव सागर से पार उतार जाती हैं। हाँ भक्त जी, जैसे पहले मैं आपके साथ झगड़ा करती थी तो श्री कृष्ण कन्हैया ने आपकी नैया कई बार पार लगाई थी। हाँ भगवान, तुम ठीक कहती हो। तो साथियों, इस प्रकार समय बीतता गया। भगत नरसी के आशीर्वाद से विष्णु दास के यहाँ 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। घर बच्चों की किलकारियों से गूंजने लगा। पति पत्नी संतान पाकर प्रभु के ऋणी हो गए थे। एक दिन नारद ने आकर देखा, उनकी 7 पुत्रों को देखकर बड़ा हैरान हुए और वापिस प्रभु के पास जाकर क्या कहने लगे। नारायण नारायण नारायण। आओ नारद, कहो कैसे आना हुआ। नारायण नारायण, प्रभु आप झूठ कब से बोलने लगे। मैं और झूठ बोलूंगा? हाँ प्रभु, आपने मुझसे झूठ कहा। कुछ बताओ तो सही, क्या झूठ बोला। कुछ वर्ष पहले आपने अपने भगत विष्णु प्रसाद के विषय में बताया था। हाँ याद आया, क्या कहा था। आपने कहा था कि इस जन्म में संतान का सुख तो क्या, उसके भाग्य में तो 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं लिखा है। हाँ ठीक ही तो कहा था। लेकिन अभी अभी मैं उस नगरी से आ रहा हूँ, उसके आंगन में उसी के 7 बेटे खेल रहे थे। नारद जी, ये सच है कि उसके भाग्य में पुत्र सुख नहीं था। भगवान, फिर पुत्र कहाँ से आए। नारद जी, आप ये बात नहीं जानते, मैं उसको उस समय तक कोई पुत्र नहीं दे सकता था जब तक उसके पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब ना हो जाए। जिसने उसे पुत्र दिए हैं, अपनी सच्ची भक्ति के बल से उसे वरदान में दिए हैं।
देने वाला मेरा पूर्ण भक्त है। मुझ में उसके शब्दों को काटने की सामर्थ नहीं है। वह भक्त मुझ में विशेष भक्ति रखता है। नारायण नारायण। हे प्रभु, जो कंगाल गली गली रोटी के टुकड़े मांगता फिरता है, उसमें ऐसी क्या विशेषता है? अरे, ये मेरे पेट में दर्द क्यों उठने लगा? ये तो बहुत तेज दर्द है। नारद जी, जल्दी से कोई उपाय करो। प्रभु, आप ही बताइए, मैं क्या उपाय करूं? नारद जी, तुम मेरे भक्तों के पास जाओ और कहो, प्रभु के पेट में बहुत दर्द है और दर्द का इलाज सिर्फ किसी भक्त के कलेजे से ही हो सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? हाँ नारद जी, तुम जल्दी जाओ, प्रश्न आने के बाद करना। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, मैं चलता हूँ। और सुनो, मेरा दर्द तभी ठीक होगा जब कोई भक्त खुशी से अपना कलेजा निकाल कर देगा। जल्दी वापिस आना, तभी मुझे इस दर्द से छुटकारा मिलेगा। ठीक है भगवान, मैं जल्दी आता हूँ। नारायण नारायण नारायण। हे प्रभु, ये मुझे कैसी दुविधा में डाल दिया? भला ऐसा कौन होगा जो अपना कलेजा निकाल कर मेरे हाथ में दे देगा? चलो, अब तो प्रभु के आदेश का पालन करना ही होगा। नारायण नारायण नारायण। हे भक्तजन, प्रभु बहुत संकट में है, उन्हें संकट से निकालने के लिए आपका कलेजा चाहिए। तू बावड़ा हो रहा सके, कोई भला अपना कलेजा काट के क्यों देवेगा? चला के ने किसी और दोरे मांग ले। बेराना कितना आया से मुंह उठा के ने। हरिओम हरिओम। हे भगवान, सबको बुद्धि दे, चलो किसी और के पास जाता हूँ। अरे, ये बैठा एक और तपस्वी, इसी से मांगता हूं। भक्त की जय हो। कहो, मैं आपकी क्या सेवा करूं? नारायण नारायण नारायण। भगत जी, सेवा करने का मौका तो प्रभु ने आपको दिया है। कहिए, मैं सेवा के लिए तैयार हूं। प्रभु ने आपका कलेजा मंगवाया। कलेजा मंगवाया है? होश में तो हो, कहीं सौपन में तो नहीं बोल रहे? लगता है तुम पागल हो। भला मैंने ऐसा क्या कह दिया? अरे भला, कोई अपना कलेजा भी निकाल सकता है क्या? मैंने अपना कलेजा अलमारी के अंदर रख रखा है क्या? चल अपना काम कर और मुझे भक्ति करने दे, पागल कहीं का। हरे राम हरे राम हरे राम। ये प्रभु ने मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया? हे भगवान, अब क्या कर, अपना कलेजा देने को तो कोई तैयार नहीं। सभी भक्तजनों ने तो मुझे ही पागल घोषित कर दिया। वापिस प्रभु को जाकर बताता हूं। हे प्रभु, अपना कलेजा कोई नहीं देता। नारद जी, तुम मेरे उस कंगाल भक्त के पास भी गए जिसने लक्ष्मीपुर के सेठ को पुत्र होने का वरदान दिया था। वो कंगाल बेचारा क्या कलेजा देगा जो खुद तो रोटियां भी मांगकर खाता है। हे भगवान, आप भी कैसी बातें करते हो? तुम उस कंगाल के पास जाकर तो देखो। नारायण नारायण नारायण। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, चला जाता हूं। जब इतने भक्तों के पास धक्के खाकर लौट आया तो एक जगह और सही, वो भी मुझे पागल कह देगा तो क्या फर्क पड़ता है।
जय गोविंद गिर थारी, मन लगे मुरलिया प्यारी, मेरे मन मोहन बनवारी, तेरी लगे मुरलिया प्यारी। ओ जय गोविंद गिरधारी, मन लगे मुरलिया प्यारी। हरे बांस की तेरी मुरलिया, तेरी मुरलिया हरे बांस, ओ हरे बांस की तेरी मुरलिया, ननो लई दुनिया सारी, ओ तेरी लगे मुरलिया प्यारी, ननो लई दुनिया सारी, ओ तेरी लगे मुरलिया प्यारी। तार जड़े सोने के, सोने के तार जड़े ऊपर के, ऊपर तार जड़े सोने के, सज रे ऊंट मुरारी, तेरी लगे मुरलिया प्यारी, ओ मेरे मन मोहन बनवारी, तेरी लगे मुरलिया प्यारी। मुरलिया बाग बड़े हैं, बाग बड़े हैं तेरे है मुरलिया, तेरे मुरलिया बाग बड़े, तेरे ऊपर मैं बलियारी, तुते लगे मुरलिया प्यारी, ओ मेरे मन मोहन बनवारी, तेरी लगे मुरलिया प्यारी। मुरली ने ब्रह्मा मोहे, ब्रह्मा मोहे विष्णु जी मोहे, इस मुरली ने ब्रह्मा मोहे विष्णु जी मोहे, मोहे भोले भंडारी, मन लगे मुरलिया प्यारी, तेरी जय गोविंद गिरधारी, मन लगे मुरलिया प्यारी। मुरली बजा के नाग नचाया, नाग नचाया मुरली बजा के, तो मुरली बजा के नाग नचाया, नु करके खेल खिलारी, ओ तेरी लगे मुरलिया प्यारी, नु करके खेल खिलारी, ओ तेरी लगे मुरलिया प्यारी। मुरली बजा के कंस पछाड़ा, कंस पछाड़ा मुरली बजा के, तो मुरली बजा के कंस पछाड़ा, ओ कंस पछाड़ा मुरली बजा के, न हुई पाप की हारी, ओ तेरी लगे मुरलिया प्यारी, ओ मेरे मन मोहन बनवारी,
ओ तेरी लगे मुरलिया प्यारी। बाजी महाभारत में, महाभारत में मुरली बाज, ओ मुरली बाजी महाभारत में, महाभारत में मुरली बाजी। पड़ी पाप पे भारी, ओ तेरी लागे मुरलिया प्यारी। ओ तेरी जय गोविंद गिरधारी, ओ मन लगे मुरलिया प्यारी। लाल दीवाने नरसी दर्शन दोगे हमने कदसी, दर्शन लाल दीवाने नरसी दर्शन दोगे हमने कदसी। कब सुध लोगे मारी, ओ मन लगे मुरलिया प्यारी। ओ मेरे मन मोहन बनवारी, ओ तेरी लगे मुरलिया प्यारी। जय गोविंद जय गिरधारी, मन लगे मुरलिया प्यारी। मेरे मन मोहन बनवारी, तेरी लगे मुरलिया प्यारी। नारायण नारायण नारायण, भक्त जन की जय हो। प्रणाम देवऋषि, आइए बैठिए। भगत जी, बैठने की फुर्सत नहीं है। तो बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ देव ऋषि? हे भक्त, भगवान श्री कृष्ण के पेट में दर्द है। वो तभी ठीक हो सकते हैं जब किसी इंसान का कलेजा मिले। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने आपका कलेजा मंगवाया है। बस देव ऋषि, इतनी सी बात? लो अभी निकाल कर देता हूँ। ये तो मेरा सौभाग्य है जो मेरे भगवान ने मेरा कलेजा मांगा है।